आपको हम क्या बड़ा बता रहे, वो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो कितने केस होते हैं सर? 6 केस होते हैं, शांति से समझना, लास्ट में एक बार रिकैप करवा देंगे। 6 वो केस क्या होते हैं? आपको बाबू कनकेव मिरर लेना है इधर, और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना। उस ऑब्जेक्ट का बाबू आपको इमेज कहाँ बनेगा उसी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करना रहता है, याद करना रहता है, सारे याद होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट केस में क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पे रखते हो तो रे डायग्राम बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। लास्ट में एक बार रिकैप करवा देंगे, है ना, रिकैप करवा देंगे। ठीक, तो कल प्रीवियस क्लास में आपको हमने 4 केस पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव पे रखो, फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखो, फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, फिर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखो। 4 केस हमने पढ़ लिया था, टोटल 6 ही केस पॉसिबल हैं। आज है 5वां केस और 1 छठा केस। क्या कहता है सर, है ना? यानो जान करो ना जी, काय ढीठ बने बाबू, ऐसे रुति से तनाव कीजिए। तो 5वां केस क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? फोकस पे, है ना? तो ये फोकस है भोला, है ना, शांति से समझना। यही मेरा क्या सर, फोकस है, ये फोकस है, यहीं पे ये ऑब्जेक्ट को रखा गया। अब इस ऑब्जेक्ट के रूप में आप कुछ भी रख सकते हो, कैंडल वगैरह। अब इस ऑब्जेक्ट का आपको रे डायग्राम बनाना है। कैसे बनाओगे? तो आपको कसम खिलाए थे, इमेज बनाने के लिए 2 रे लेना। कितना रे? 2 रे, जिसमें से बाबू आपको रूल भी बताएं कि कैसे कैसे रे लोगे। तो 2 रे लेंगे, तो 1 रे बाबू देखो सारे केस में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल। चलो हम आपको ड्रा करके बताते हैं ना, ड्रा करके बताते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आपके लिए बाबू तो इतना बाबू मर ही सकते हैं हम लोग। ठीक सर, ऐसे लिख हल्का में समझ में नहीं आता, ड्रा कर करके समझेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे से, है ना। बोला ये क्या हो गया सर? कनकेव मिरर हो गया। ठीक ठीक एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, कर लिए सर ना। ठीक सर, अब ड्रा नहीं करना, जो नहीं हो पाया ग्रुप में भेज दें, वहां से लिखेगा। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना? फोकस पे, मतलब इसी एफ पे रखो, और कैंडल वगैरह जो भी रखना है यहीं पे रखो। रख दिए सर। अब आपको भोले थे भोला मेरा कि हमेशा वो रे डायग्राम के लिए बनाने के लिए 2 रे। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सब केस में, तो पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा। चल दिए। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाता है? फोकस। बताया ना, 4 को रूल याद करवाए ना, याद नहीं, कसम खिलवाए थे ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से कहाँ से जाएगा? फोकस से। मतलब कैसे पास होगा? इस तरह से फोकस से पास हो जाएगा, सीधा पास करना, फ्री हैंड है। दूसरा रे आपको जिधर लेने का मन है उधर से ले ली। मान लेते दूसरा रे कहाँ से इंसिडेंट हो रहा है सर? पोल पे। जो जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक सर, तो ये दोनों रे बाबू आके जाके कहीं नहीं मिलेगा, पैरेलल है। कैसा पैरेलल है? तो पैरेलल रे बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा इन्फिनिटी पे मिलन होता है, पैरेलल रे का कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं बाबू बहुत दूर में बने। आपका 5वां केस पहला का क्या है? उल्टा। पहला में बाबू आपका ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। अब आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो यही 5th केस कहता है। तो आपको केस, उसका रे डायग्राम और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह आपको याद रखना है। प्रधान वीडियो ऑन करो। ठीक सर, नेक्स्ट दुदू को क्या कनेक्ट के लिए प्रधान? नेचर क्या बोलू? ये रिफ्लेक्टेड रे बाबू पैरेलल है, तो पैरेलल इन्फिनिटी पे कट करेंगे तो रियल होगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। साइज कैसा सर? इन्फिनिटी पे कट करेगा तो बहुत बड़ा साइज बनेगा, वो हाईली लार्ज हो गया। पोजीशन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे। तो ये 5वां केस है। ठीक, 6ठा केस क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो? पी एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो? पी एफ के बीच में। वीडियो दिखाया ना जी, हाँ सर, पीएफ के बीच में रखो, उसका रे डायग्राम बना।
बना के बताते हैं कि नहीं, बना के बताते हैं ना। देखो छठा केस का बाबू रे डायग्राम है ना, तो ये आप पे 6 केस ही है। ठीक सर, छठा केस का डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट को अभी कहाँ रखना सर, पीएफ के बीच में। कनकेव मिरर हो गया, ठीक सर, यहाँ तक की कहानी तो ठीक है। ये जो ऑन करोगे जी इसको ना, वो भी सही सही कहते, पिछला बार मर थे ना होली में, वो एकदम लग रही थी बेहोश हो जाएगी, अभी तो हाथ पैर तोड़ देंगे, एकदम शैतान नालायक होते जा रही है, जैसे जैसे बड़ा होते जा रही है वैसे शैतान नालायक होते जा रही है सब। इसके पापा जी इतना मेहनत, दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे, बबू इसको समझ ही में नहीं आता। अगला केस क्या बबू, पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पीएफ के बीच में। ठीक सर, लो कैंडल लो रखो, तो यहीं पे कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे है ना सर। ठीक है सर, यही ना। हाँ सर, अब इस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज बनाना है, क्या बनाना है, इमेज बनाना। तो दूर लेना, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, दूसरा रे बाबू आप पे डिपेंड करता है, तो पहला रे हमेशा फिक्स रख प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से मरेगा, बोलते बोलते शरीर का मास घट गया है ना बाबू, पैरेलल बाबू कहाँ से मरेगा जाकर, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से पास करेगा, तो ये आपका फोकस से पास करेगा। ठीक सर, दूसरा रे बाबू पोल पे इंसिडेंट करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, पोल पे इंसिडेंट करवा दिए सर, तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से जाएगा, तो इधर चल जाएगा, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, तो पैरेलल रहता तो इन्फिनिटी पे मिलता है, डाइवर्जिंग रे का मिलन कभी नहीं होता जिंदगी में, सातों जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रे बोला डाइवर्ज हो रहा, कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में, कभी नहीं। तो अब क्या करो, जो डाइवर्ज रे है ना वो रिफ्लेक्टेड रे है ना बोला, उसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ सर वर्चुअली, ये रिफ्लेक्टेड रे इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे सर वर्चुअली, रिफ्लेक्टेड को बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए पीछे से, ये रिफ्लेक्टेड है आगे तो कट नहीं कर रहा, लेकिन वर्चुअली वो पीछे बढ़ाने पे यहाँ पे कट कर रहा, तो इस ऑब्जेक्ट का जहाँ पे कट करेगा रिफ्लेक्टर वहीं पे इमेज बनेगा, तो ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है तो इसका इमेज क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा है ना। ठीक से, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे सही में कट करता है तो रियल इमेज बनता है, सही में कट नहीं ना किया, मिरर के पीछे वर्चुअली बढ़ाया, कल्पना किया है ना, क्या क्या कल्पना किया, तो इसीलिए जो इमेज होगा कैसा होगा, इमेज एक आपका कैसा होगा, इमेजनरी इमेज होगा, रियल नहीं है ना बाबू, रियल नहीं ना कट किया जी, तो इसलिए इमेज कैसा है, वर्चुअल है, क्या वो वर्चुअल है, इमेजनरी बोलो चाहे वर्चुअल बोलो ठीक, और वर्चुअल इमेज आपको कसम खिलाए वो हमेशा सीधा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, नहीं ना यार ये वीडियो ऑन करोगे जति तो शैतान जान मार देगा। साइज बोला, साइज कैसा सर, तो देखो कैसा लग रहा, इससे बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा, इससे बड़ा लग रहा है, हाँ सर, तो क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, कहाँ बन रहा है पोजिशन, कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, मिरर के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो यही आपके कितने 6 केस हैं, यही आपके 6 केस हैं। अब यही 6 केस का बोला आपको बाबू, हम एगो टेबल बना देते, इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना, एगो बनाते बाकी 5 को खुद तैयार करना, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, है ना, याद करने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग कनकेव कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ रहे हैं ना, जो नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से लिखे, अब इसी को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो है ना, कैसे सर, आप लोग के बुक वगैरह हम देखोगे ना तो टेबल बना रहेगा, तो हम लोग काहे छोड़ेंगे सर, सब चीज पढ़ लेंगे, इमेज फॉर्मेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे सर, टेबल फॉर्मेट में, इन कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, ध्यान देना कॉनकेव मिरर,
इन टेबुलर डाटा टेबल के फॉर्मेट में। हम ये को खाली भरेंगे, बाकी सब आपको अपने भरना है ना बाबू। इधर दे दो सीरियल नंबर या केस दे दो। ठीक बोला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट बाबू, पोजीशन ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, ठीक। और एक आपका क्या बच जाएगा बोला, नेचर ऑफ इमेज। एक नंबर में क्या बाबू, पोजीशन कहाँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, इंफिनिटी पे है ना। एगो खाली भरेंगे, बाकी अपना खुद भरना, जो अभी पढ़ाएं उसी का टेबल फॉर्म में, ताकि आपको याद करने में सहूलियत होगी कि ना। ये तो ज्योति पूरे नालायक निकल गए कि नहीं ज्योति। खाली सर बाबू नालायक सास, लड़कों लोग होते हैं, लड़की लोग नहीं, समझे। अरे बाबू शैतान है इतना बाबू, कैसे गार्जियन आपके रोते रहते बाबू, ऐसे कैसे हो गई भूली। हाँ रोते सर, बहुत खुश है मेरे से। हाँ बहुत खुश है, फोन लगाए भी। सर फोन लगा लीजिए, अभी कुछ बदमाशी नहीं कर रहे सर, साक्षी पढ़ाई भी मन से कर रहे हैं अच्छा तो अभी लगा के रुको। पोजीशन सर। ऑफ पापा ऑब्जेक्ट बाबू, पास, मम्मी पास लगे पापा के पास लगा, कल बोला लिखी तो भेजी का है नीजे। सर, फोन मेरे पास रहेगा तब ना अभी क्लास के बाद क्या करती हो, 5 मिनट 1 मिनट तो भेज ही में लगेगा। सर। मेरे मम्मी ले लेती बात करती है, और रौनक हमको फोन नहीं देते सर, पूछ लीजिए। हम बस जल्दी क्लास करने लिखो तो 1 घंटा बस मोबाइल लेते हैं। बस, एट इन्फिनिटी पोजीशन का वो ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे पोजीशन। इमेज कहाँ बनता है बाबू, एट फोकस पे। कहाँ बनता है इमेज, फोकस पे। ये याद रखना, साइज ऑफ इमेज क्या होता है ना, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है। नेचर ऑफ इमेज रियल और उल्टा कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यही आपको भरना है सारे केस में, तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 2 नंबर में क्या बाबू, ऑब्जेक्ट का कहाँ रखो रहा होगा, बियॉन्ड सी। पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बाबू, बियॉन्ड सी। ठीक, 3 नंबर में कहा बाबू, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रख, लिख लो सी, नहीं अच्छा लगता। कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से अपना भरो, सारा बता चुके, अपना खुद भरिए जी, सब हमरे से सबसे काम करवाएगा। नेक्स्ट उस 4 नंबर क्या बाबू, बिटवीन बाबू सी और एफ। भरो जल्दी, एट एफ पे कहाँ ऑब्जेक्ट रखेगा, फोकस पे। छठा नंबर बोला, बिटवीन पी एंड एफ। लिखिए, इसको खुद भरो श्रुति शैतान। आगे बाबू देखो, बियॉन्ड सी रहेगा, सारा आपको लिखा ले बाबू, सारा आपको लिखा हुआ उसी को देख के भरना है थोड़ा सा।
जल्दी लिखिए, आगे समझाते हैं। बोला आप लोग के लिए मैंने मंगाए बाबू, काजे किसको किसको डॉक्टर बनना है? स्टेटोस्कोप, आगे हम कोनोस्कोप, किसका किसका दांत खराब है जी? जिसका जिसका खराब है बोलो। अभी हम लोग कनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कनकेव मिरर का यूज पढ़ेंगे, आ करके, ठीक है ना? जल्दी लिखो इसको। जिसका जिसका दांत खराब है बोलिएगा। मेरा हाँ, तो स्कूल में हुआ था ना चेकअप जी? नहीं करवाया जी? जल्दी लिखो बाबू। अरे खराब है नहीं सर। जल्दी लिखो बाबू। धीरे धीरे हम लोग के पास होगा, आप लोग के स्कूल से ज्यादा सामान हो जाएगा कि नहीं, है ना? स्कूल में रहता है कुछ ही बोला। स्कूल में खाली बिल्डिंग रहता है, एक चीज जरूर रहता है बहुत, बिल्डिंग जरूर रहेगा स्कूल का। स्कूल में सर सिर्फ एसिड और बेस रहता है। बिल्डिंग रहेगा और वो गेट पे गार्ड मिलेगा पूरा। जल्दी बाबू, नेक्स्ट बाबू। तो ये मेरा कॉनकेव मिरर का क्या था सर? है ना बाबू, इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद कॉन्वेक्स है। तो पहले यूजेज ऑफ हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। इसको भर के भेजना, नहीं भेजोगे बाबू, है ना? तो कल हिसाब किताब उठा बैठी कराएंगे, बहुत दिन से आप लोग को छोड़ रहे हैं। इसको भी नहीं भरोगे तो ऐसा काले पढ़ोगे जी? जब ये भी नहीं भराएगा आप लोग से तो पढ़ने से क्या फायदा होगा? सर ये केस वाला टेबल है क्या? हाँ मेरे लाल, हलल्ला रामायण खत्म, पता नहीं चला सीता किसकी बात थी। मेरे लाल 6 गो केस है बाबू, उसी का टेबल फॉर में अब लिखना है। एट इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ बाबू इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आता है। फोकस पे साइज कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। बियॉन्ड सी कहाँ इमेज बनेगा बाबू, है ना? बियॉन्ड सी बोला तो आपका इमेज कहाँ बनेगा बाबू? कहाँ बनेगा बोला? बोलो जी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का बाहर ऑब्जेक्ट है बाबू तो इमेज कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा जी? पी और एफ के बीच में बने, कहाँ बनेगा बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऑब्जेक्ट है बाबू तो इमेज कहाँ बनेगा? एग्जाम नहीं पड़ता। सर सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कन्वेक्चर और फोकस के बीच में। हाँ, तो इसको पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखा है? बिटवीन सी और एफ। साइज ऑफ इमेज कैसा? डिमिनिश्ड लिखेगा, छोटा होता, रियल इन्वर्टेड होता। एक्स सी पे रहेगा तो वहीं पे बनेगा, सी पे ही इमेज बनेगा बाबू। और ये क्या होगा आपका बाबू, है ना? सेम साइज होगा फिर रियल इन्वर्टेड होगा। तो इसी तरह से भरना है 6 गो केस का। जल्दी लिखो। ये आदित्य शैतान वीडियो भोला। नेक्स्ट आगे बाबू क्या बाबू? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको समझना है। अगर बोला रे ऑफ कॉनकेव मिरर के फोकस पे रे ऑफ लाइट अगर जलाया जाए बाबू, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बताया था कि कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू अगर फोकस से पास कर रहा हो तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये बताया ना जी? समझे? आपको हमने क्या बताया? अभी इसको यूज करेंगे, मान लो कॉनकेव मिरर है सर, आइए इसका फोकस है। तो फोकस से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू जा रहा है, मान लो यहाँ पे फोकस है, यहीं पे बाबू कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहीं पे वो बल्ब रख दिया, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा सारे डायरेक्शन में, है ना? फोकस पे ही कोई बल्ब रखा था, ये इंसिडेंट होगा ना जी? तो फोकस से पास करता हुआ रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्लेक्ट होके कैसे होगा? मिरर से रिफ्लेक्ट होके बाद पैरेलल हो जाएगा। अगर बात समझ में आता है तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। फोकस पे बाबू अगर कोई भी बाबू बल्ब वगैरह रख दो तो यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा ना जी? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। इस बात से सहमत हो तो हो गया मेरा काम। तो आगे हेडिंग हम लोग क्या देंगे बाबू? यूजेज ऑफ बाबू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सारा हम लोग सीखेंगे, मन लगेगा पढ़ने।
इट इज यूज्ड इन बाबू टॉर्च, पहले कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन टॉर्चेज, एक एक लाइन का है, समझाते हैं, समझो। देखो क्या है, भोला टॉर्च लाओ, भोला छोटे को टॉर्च है, भोला देखो शांति से समझना। कनकेव मिरर को यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टॉर्च में, ये दिख रहा है जी, जलता है, हाँ जी जलता है ना, भुक भुक करता है, खराब हो गया, दिख रहा है दो, दिख रहा है बोला, हाँ सर दिख तो रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी, पूरा दुनिया अंधेरा हो गया है ना, अब इसको खोलो, समझना, अंदर में कटोरी निकलेगा, देखो ये कटोरी कौन सेप का है, कौन सेप का कटोरी है जी, समझ में आता है जी बेटो, कौन सेप कटोरी है जी, कौन के है ज्योति से तानी, किस सेप का कटोरी है बाबू, कटोरी जो है बाबू ये बल्ब से निकाले, कहाँ से निकाले हैं, टॉर्च से निकाले, बल्ब से नहीं निकाला, टॉर्च से निकाले हैं, कौन सेप का सुतोष, ये कटोरी का सेप कैसा है जी, कॉनकेव है, कॉनकेव है, कॉनकेव ठीक। अब बाबू इसको हम लोग बाबू ये कोई ये जो मैं आप कनकेव है बाबू, आ चमचम कर रहा है ना जी, तो ये कनकेव मिरर हो गया, क्या हो गया आपका, कनकेव मिरर हो गया, देखो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक सर है ना बाबू, फोकस करो, तो कनकेव मिरर हो गया बाबू, तो अब मन में ख्याल आता है सर का नीचे लिख रहा है, कह रहा मैं कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, टॉर्चवा में, भोला मेरा ये टॉर्च है ना जी, देखो यहाँ से बल्ब जलेगा, जल रहा है जी, ठीक सर, तो यहाँ पे बाबू ऐसे करके कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, मन में कभी ख्याल आता है, ये जो यूज होता है भोला कनकेव मिरर क्यों यूज होता है, तो कनकेव मिरर इसीलिए यूज होता है बाबू कि ये जो बल्ब है भोला, मान लो इसके कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ है ना फोकस पे है, तो ये जो बल्ब जला भोला, शांति समझना, ये जो बल्ब जला भोला फोकस से बाबू, यहाँ से बल्ब निकला, तो इस ये जो चारों तरफ जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट होगा ना जी, ये जो चारों तरफ कटोरी आपको दिख रहा है इस पे इंसिडेंट होगा कि नहीं होगा, और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, बात समझ में आता है, पैरेलल रे बाबू, पैरेलल होगा तब ना दूर तक फोकस मारेगा जी, बात समझो है ना, तो इसीलिए बाबू हम लोग टॉर्चेज वगैरह में क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं ना, टॉर्च हो गया, या बाबू आपका गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर है ना, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं बोला, हमें देखा है ना, जैसे मान लो ये कनकेव मिरर है, मन से पढ़ा सो तो आई प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो टॉर्चवा को कहाँ फिक्स कर दो, फोकसे पे, तो यहीं पे मान लो टॉर्च हो गया, टॉर्च का बल्ब कितने, इतनी को ना ये देखो जहर खाकर मर जाओ, कितना को बल्ब दिखाई दे रहा है, देखो तो कितना छोटा बल्ब है, भुट्टी को है कि नहीं, छोटा सा दम है ना जी, छोटा सा बल्ब है, तो ये जो बल्ब है भोला कनकेव मिरर के जनरली कहाँ रखा जाता है, उतना इसमें तो उतना सही नहीं है, 20 रुपये का तो टच पे जी तो कुछ ही रहेगा, ये कहाँ रखा है बल्ब, मान लो कनकेव मिरर के फोकस पे, आज जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा तो कटोरी पे इंसिडेंट होगा ना, तो जैसे इस पे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, सारे पे पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब बाबू यहाँ से रे ऑफ लाइट निकालोगे बाबू हर एक डायरेक्शन में ऐसे करके है ना, ठीक सर, नहीं निकलेगा, तो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको बताया था वो कोई भी रे ऑफ लाइट वो फोकस अगर पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये इधर पैरेलल चल जाएगा, ये वाला इधर पैरेलल चल जाएगा, ये वाला बाबू इधर पैरेलल आ जाएगा, ये वाला बाबू इधर पैरेलल आ जाएगा, तो जितने सारे रे निकलेंगे सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा तब ना दूर तक के फोकस मारेगा, तब ना बाबू गाड़ी बाबू दूर तक के दिखाई देगा, तब ना बाबू, नहीं तो मालूम चला एक्सीडेंट ही हो गया, तो टॉर्च का हो गया या गाड़ी के हेडलाइट जो हो गया उसमें हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू आगे इसका यूज क्या, वो ये फर्स्ट यूज हो गया, इट इज यूज्ड इन बाबू कहाँ बाबू, टॉर्च में या गाड़ी के हेडलाइट्स में, सेकेंड यूज क्या बोला, इट इज यूज्ड इन बाबू सोलर कुकर,
इट इज बाबू यूजेज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर देखा जी हसे, अब भोला। हाँ सर देखे हैं। देखो सोलर कुकर क्या होता, ये सब में कौन के मिरर हम लोग यूज करते हैं। आपको बताया था बाबू कि अगर इन्फिना, आप संदेश समझना, मान लो भोला मेरा, संदेश समझना, ये कौन के मिरर है, हला नहीं, इसका कहीं फोकस होगा, इसको लिखना नहीं अभी, ठीक। अब मान लो यहाँ पे बाबू कोई बर्तन वगैरह रख दो, यूटेंसिल्स वगैरह, पॉपकॉर्न, और रे ऑफ लाइट कहाँ, सन से। तो आपको बोले थे वो सन से कैसा रे ऑफ लाइट जाएगा, पैरेलल जाएगा। सन से कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पास होगा, फोकस से। कहाँ पास होगा, फोकस से। पैरेलल रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगा, फोकस से। अब फोकस पे क्या रख दो, कोई कुकर वगैरह रख दो, फोकस पे क्या रखो, कुकर रखो, आपका दाल फ्राई होकर तैयार। देखो वीडियो दिखाते से था, कुछ में दिखा दीजिए, टीवी में भोला है ना, टीवी में देखो जी, बड़ी टाइम लग जाएगा। सोलर कुकर बोला है जी, देखो सोलर कुकर, ठीक, मोबाइल लगता है टीवी में देखना पड़ेगा, देखे थे भोला। सोलर कुकर कन के मिरर, देखो बोला, सिखाते वो उसी को। देखो कैसे खाना बन के तैयार होता है, 720 है और 1050 भी है जी। देखो बोला क्या किया गया, शांति से समझिएगा, ये क्या बोला आपको दिख रहा है जी, देखो यही आपका क्या वो सोलर कुकर है, बिल्कुल चल गया, दिखाते हैं। ये आपको जो डिवाइस दिख रहा है बोला मेरा, अन्य तो टीवी पे कहोगे टीवी पे दिखा देंगे, पॉज करो। ये आपको जो नीचे दिख रहा है इसको थोड़ा सा ऊपर करो, और ऊपर हो जा भोला मेरा, शांति से समझना। ये जो आपको गोल गाल नीचे दिखाई दे रहा है क्या है, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर है ना, ठीक सर। यहाँ से एगो स्टैंड फिट किया गया, और इस कॉनकेव मिरर का फोकस होगा ना जी, इस कॉनकेव मिरर का बाबू, थोड़ा बढ़िया से इसको करो ना। देखो पानी क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है ना, वो बाद में, पहले इसका वर्किंग समझो कि कैसे होता, थोड़ा सा दूर करो, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ अभी सिचुएशन ठीक है, एंगल है ना, चलो ठीक है। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, टीवी में बाबू 2-3 मिनट टाइम लगेगा, इसे भी समझो, कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग के लिए सब चीज है। अब उधर क्या होगा बाबू, दूर में सनलाइट होगा, तो सन ऑफ रे ऑफ मैंने सनलाइट आएगा बाबू, तो इस कॉनकेव मिरर पे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। तो आपको कसम खिलाए तो बोला कि जब भी रे ऑफ लाइट होगा इंसिडेंट होगा कनकेव मिरर पे, इन्फिनेटिव से आएगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। कहाँ से पास करेगा, फोकस से। तो इसके बाबू फोकस पे बाबू एक स्टैंड सेटअप करके, एक मान लो बर्तन रख दिया यहीं पे, कुकर रख देना, तो जैसे रे ऑफ लाइट आएगा ना बाबू, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारा का सारा रे ऑफ लाइट यहीं पे ये हो जाएगा, जो भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट पे होगा, और सारा का सारा रे ऑफ लाइट वो जब इस पॉइंट पे होगा, तो इसको क्या मिलेगा, सन का क्या मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, सन का हीट एनर्जी मिलेगा। और जैसे ही हीट एनर्जी मिलेगा तो इसमें जो भी रहेगा बाबू आपको क्या होगा, पकना शुरू हो जाएगा। तो यही यूज होता है सोलर कुकर में, है ना, सोलर कुकर में। अरे मेरे लाल इधर क्या होगा, बहुत दूर में बाबू सनलाइट होगा ना जी, तो सनलाइट से रे कैसे कसम खिलाए थे कि पैरेलल होगा, पैरेलल ही इंसिडेंट होगा। सर हाँ जी, कॉनकेव मिरर पे बाबू पैरेलल ही, जब परलली जब इंसिडेंट होगा बोलो, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे जाएगा, फोकस से पास होगा। एकर फोकस पे कनके मिरर का कहीं इधर बीच में फोकस होगा ना जी, इस कनके मिरर का कहीं फोकस होगा, निकालो अपना रेडियस ऑफ डायमीटर के बाबू दूंगा हाफ करके, है ना। तो फोकस पे यहाँ से एक सेटअप स्टैंड लगा दिया, और यहीं पे कुकर वगैरह रख दिया, तो देखो ये पानी कैसे बॉयल होता है, अभी आपको दिखाया गया बाबू, देखो देखो
पानी आपका क्या हो रहा है, बॉयल हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा हीट एनर्जी इसी को मिल रहा है। हीट एनर्जी क्या मिल रहा है, इसी को सारा का सारा हीट एनर्जी मिल रहा है ना। तो यही सोलर कुकर में क्या है, इसका यूज है ना। सोलर कुकर में क्या यूज है, देखो कितना अच्छा सा आपको दिखाया गया है ना बाबू, है ना। इसी तरह से इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं सोलर कुकर में, है ना। इसका फोकस पे, ये जो कॉनकेव मिरर का फोकस पे ये बर्तन रखा हुआ, हवा में ना फोकस होगा कहीं जी। तो यही आपका क्या है, सोलर कुकर है। क्या है, सोलर कुकर में यूज है। ठीक, नेक्स्ट बोला, ये समझ में आ गया, समझा सिवंदर कि नहीं समझा जी। अब भोला समझते चलो, नेक्स्ट बाबू, इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, सर्च लाइट के वगैरह में कहाँ यूज करेंगे, सर्च लाइट में। सर्च लाइट वही होता बाबू, टॉर्चे वाला। तो बाबू आप लोग देखना बाबू, ट्रेन पे कभी सफर करोगे गांव वगैरह में, तो पुलिस सबके बाबू इतना को टॉर्च होता है, इतना बड़ा टॉर्च होता है। एक बार फोकस जो मारेगा ना बाबू, आप पे 1 किलोमीटर तक जाएगा। अब तो बाबू उतना चोरी घटेगा, अब तो चोरी वगैरह घट गया ना। पहले गांव में से ट्रेन जब पास होता था ना, बोला हम लोग के समय में, तो ट्रेनों का बैटरी ये सब खोल लेता था। पहले पेट्रोल हाथी वाला के कोयला वाला था ना, तो ट्रेन देखो पास हो रहा है ना, चैन घिंच दिया है ना बाबू, वैक्यूम कर दिया। और उसके बाद बाबू क्या किया है ना, सब बाबू गांव वाला आदमी बैटरी खोल खोल के निकाल लेता था, ठीक है ना, ट्रेन ट्रेन का बैटरी। उसके बाद घर में यूज करता था, बहुत पहले होता था चोरी डकैती, अब तो नहीं होता। तो होता क्या था सर, तो उस समय पुलिस देखना, ट्रेन पे पुलिस रहेगा, अगर टॉर्च ले ले रहेगा, और वो टॉर्च बाबू बड़ा वाला रहेगा, उससे जो लाइट निकलेगा ना बहुत दूर तक जाएगा, उसी को कहा जाता है सर्च लाइट। तो नेक्स्ट क्या बाबू, इट इज यूज्ड इन बाबू सर्च लाइट, इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट। क्या बोल रहे ज्योति, सर्च लाइट बाबू, सर्च लाइट बाबू एंड व्हीकल हेडलाइट्स, क्या बोल रहे ज्योति, व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल हेडलाइट मतलब समझते ना, वो गाड़ी का जो हेडलाइट होता आगे वाला है ना, व्हीकल हेडलाइट, वो सब हम लोग यूज करते हैं। क्यों सर, क्योंकि बाबू व्हीकल हेडलाइट को बाबू वहां पर जो बल्ब होगा ना फोकस पे रखा जाएगा, अब फोकस से रे ऑफ लाइट निकलेगा बाबू, इंसिडेंट होगा, पर्लर होगा, तब गाड़ी का क्या जाएगा, दूर तक फोकस जाएगा। नेक्स्ट बोला, डेंटिस्ट इज यूज बाबू कनकेव मिरर, डेंटिस्ट के पास जाते हो जी, डेंटिस्ट बाबू दिखाते हैं, डेंटिस्ट इज बाबू है ना, डेंटिस्ट इज ऑल्सो यूज कॉनकेव मिरर, जल्दी लिखिए, टू सी लार्जर इमेज। बाय सर, भाई सर कहाँ सर, अभी टाइम हुआ जी, भाई सर के लिए है, भूख लग गया। भूख लगे बाबू, हम तो बाबू 5 बजे से पढ़ा रहे जी, हद करती हो जी, भूख लग गया शैतान, जाओ पापा जी को फोन करके हिसाब किताब करवा देंगे। नहीं सर, ठीक है, नहीं जा रहा। भूख लग गया शैतान, हम लोग को भूख प्यास नहीं लगता जी, भूख प्यास मार के पढ़ाई तो रहते ना जी। हाँ सर आपका पेट बड़ा है ना। पेट बड़ा तो भूख भी तो बड़ा लगता है जी। नहीं सर, आप एक बार में खा लेते होंगे तो दिन भर चल। अच्छा जल्दी लिखिए, देखो कनके मिरर बाबू, इसको समझो। एक और है बाबू मेकअप मिरर, जल्दी समझिए, कनके मिरर निकालते बाबू। तो ये तो कॉन्वेक्स, जल्दी लिखो, अनु शैतान चल गया जी, शैतान उसको एग्जाम देना है 10th का। जल्दी लिखे बाबू, देखो बाबू अगला क्या बाबू, कनके मिरर को हम लोग कहाँ यूज करेंगे सर, डेंटिस्ट में, डॉक्टर के पास जाते हो ना भोला,
तो डॉक्टर के पास जाते बाबू, तो आपका कनकेव मिरर के किस केस में वो इमेज बड़ा बनता है? छठा वाला केस में। छठा अभी जो केस बना उसमें इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट बनता और बड़ा बनता है ना, वर्चुअल बाबू, वर्चुअल बनता और बड़ा बनता है छठा केस में। तो होता क्या है, ये आपका क्या बाबू, डेंटिस वाला, यही आपका है ना, ये डेंटिस वाला है। ठीक, मान लो आपके दांत में कैविटी हो गया, क्या हो गया भोला, कैविटी हो गया। तो डॉक्टर क्या करेगा भोला, इस दांत बाबू है ना, ये जो मिरर है इसमें बाबू मिरर यूज है, इसमें क्या है, कनकेव मिरर है, इसमें जो मिरर है ना भोला, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना, तो इसको आपको कहाँ डालेगा, मुंह में डालेगा। और दांत के बाबू है ना, इसको जो ऑब्जेक्ट, आपका टीथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो उस टीथ को कहाँ रखेगा, इस कनकेव मिरर के पास में रखेगा। कैसे सर? अरे मेरे लाल, अभी ना आपको बताया बाबू, छठा केस, मान लो कनकेव मिरर है और यहाँ यहाँ फोकस है, यहाँ पोल है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, तो इसका इमेज किधर बनेगा, इधर कहीं बनता, रियल वर्चुअल और इरेक्ट बनता। तो वही किया जाता है, डेंटिस्ट बाबू आपके दांत को बाबू इस मिरर का जो बाबू फोकस होगा, इसका बीच वाला जो पोल होगा उसका बीच में रखेगा, तो बीच में रखेगा वो, तो आपका इमेज सीधा बनेगा, तो इमेज सीधा प्लस क्या बनेगा, वो इरेक्ट बनेगा और बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आपका दांत इतनी वो है, इस मिरर में इतना सा दिखाई देगा। तो मान लो दांत वगैरह में कोई कैविटी रहेगा भोला, तो इस मिरर में डॉक्टर देखेगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करेगा। तो यही कहता है डेंटिस्ट जो यूज करता है भोला, उसमें आपका क्या रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है। इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर, डॉक्टर वाला, ठीक है ना, मंकेला है ये, क्या आपका डॉक्टर का है ना। ठीक भोला, नेक्स्ट भोला, एक और है बाबू, कनकेव मिरर को हम लोग बाबू मेकअप मिरर में यूज करते हैं, शांति से समझना। कनकेव मिरर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सेविंग मिरर के रूप में। कैसे सर? छठे केस में, छठा केस में जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, बड़ा बाबू बड़ा बन रहा है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। मान लो हमको सेविंग करना, तो सेविंग करना बहुत, तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे, नजदीक में, मतलब वो अपने गाल को कहाँ रखेंगे, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में। तो जैसे पोल फोकस के बीच में रखेंगे, तो मेरा बाबू सेविंग है ना, तो बाल बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो आराम से सेविंग करने में क्या होगा, सुविधा होगा, है ना, सुविधा होगा। ठीक है ना बोला। देखो मेरा फिंगर बाबू, आप इसमें मिरर में देखो, है ना, फिंगर बाबू कैसे दिख रहा है ना, है ना, फिंगर भोला बाबू दिख रहा है जी, बड़ा दिखेगा फिंगर, कैसा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, है ना, मोटा दिखेगा, थोड़ा सा मोटा दिखेगा, आप बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को बाबू हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका भोला बाबू कनके मिरर को, आपको ब्यूटी अथी ये मेकअप मिरर भी कहते हैं। देखो उसमें बाबू आपको दिख रहा है बाबू, दिख रहा जी, पेन का टिप बाबू मोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा जी, देखो पेन का टिप है भोला, आपको कैसा दिखेगा, थोड़ा सा मोटा दिखेगा, क्या दिखेगा, मोटा दिखेगा। और नहीं विश्वास होता है तो मेरा फेस इसमें दिखेगा आपको, जो दाढ़ी दिखेगा ना बड़ा बड़ा दिख रहा है भोला, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा है जी कि ना दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा ना दिख सर। नहीं दिख रहा बोला। अच्छा तो घर में आप लोग ला के देखिएगा, है ना, देखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेकअप मिरर कहते हैं। मान लो आपको बहुत सेविंग करना बहुत या बड़ा दिख रहा है सर। गर्ल सबको भोला बढ़िया से एकदम फेशियल वगैरह करना रहता है, तो यही कॉनकेव मिरर यूज करता है, बड़ा बड़ा दिखता है ना, इसमें क्या दिखता है, बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना। ठीक ठीक बोला। तो अगला क्या बाबू, इट इज यूज इन बाबू, है ना, इट इज यूज है बाबू सेविंग मिरर, क्या है इसको यूज करेंगे, इट इज बाबू यूज एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज। लार्जर इमेज बाबू, ऑफ द फेस। तो इतने सारे क्या है, कॉनकेव मिरर के क्या है, यूज है, इतना सारा कॉनकेव मिरर का क्या है, यूज है ना, यूज है इतने सारे। ठीक लिखो बोला, लिखिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, है ना। ठीक है, जा लो जिंदगी जी लो, भोली जी लीजिए, आपको समझ बाय सर। में आता है यस आशुतोष? सर। हाँ बोला, कल टीटीएस है जी, कल तो कल